फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय संत तुकार दाव जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका ऑफिशियल सर्कुलर आया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, तो जरूर हमारे साथ चैनल में बने रहिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की और इन्फॉर्मेशन यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके मोबाइल पे कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो किसी कंप्यूटर लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। जो आपके नोट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके मोबाइल पर होने वाले हैं, ये आपके चांसलर ने खुद बताया है। तो फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी न्यूज़ आ रही है, जो आपके फाइनल ईयर की और फाइनल सेमेस्टर की जो भी छात्र हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्कशॉप प्रोजेक्ट और आपके डिसर्टेशन है, ठीक है, वो 15/9 से लेकर 25/9 तक आपको की करने हैं, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी आपके जो कि आपके बैकलॉग हो, रेगुलर हो, ठीक है, उन सब के लिए ये सब ठीक रहेगा। 15 से लेकर 25 तारीख तक आपके ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपके लिखित परीक्षा यानी इसमें बोला जा रहा है जो लिखित परीक्षाएं होंगी वो 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक होंगी, जो कि ऑनलाइन पद्धति में हो सकती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लिखित परीक्षा होगी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको 25 करने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 1 प्रश्न के 2 नंबर दिए जाएंगे। आपको ये बताना चाहूँगा साथ में, आपके पूरे सिलेबस में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ठीक है। तो आपको पूरे सिलेबस में से आएंगे, आपको 50 में से 25 क्वेश्चन करने होंगे, MCQ बेस्ड रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो विद्यार्थी जो ऑनलाइन परीक्षा देंगे वो मोबाइल पर ही संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। तो उसकी जानकारी यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 14 सितंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर और लॉगिन नंबर आपको अपने कॉलेज में दे देना है, ठीक है, जिससे कि आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, 14 तारीख से पहले आपको ये करना है। यहाँ पे आपका एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप देख सकते हैं 6 नंबर। तो फ्रेंड दे सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्कशॉप प्रोजेक्ट डेजिटेशन में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रहते हैं, ठीक है। इंटरनल में आपके जो सब्जेक्ट के रहते हैं वो आपके स्कूल के रहते हैं, आपके कॉलेज के रहते हैं, अगर एक्सटर्नल में आपके बाहर से आते हैं। तो इस बार इस क्या हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पर आपका एक्सटर्नल आपके सीनियर आपको जो अध्यापक हैं उनको रखा जा सकता है। अगर वो पॉसिबल नहीं होता उस केस में आपको किसी भी उसको आपके कॉलेज के बुलाया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको 7वां आ रहा है, जो आपके ATKT के जो छात्र हैं जो फाइनल ईयर में हैं, चाहे उनके बैकलॉग लगी हो, ठीक है, तो उन लोगों का जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्कशॉप और लिखित परीक्षाएं है ना जल्दी हो सकती हैं, 15 से लेकर आपकी 30 सितंबर तक हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उनकी वो परीक्षाएँ फ्रेंड ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती हैं, जो उनके पास सुविधा रहेगी उसी के अनुसार वो करेंगे। तो फ्रेंड जो आपका सिलेबस रहेगा वो पूरा सिलेबस रहेगा, साथ में आपके ऑनलाइन ऑफलाइन या मिक्स मोड में किसी भी मोड में हो सकते, तीनों आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आ रहा है। अगर वो दिव्यांग हैं, ठीक है, तो अपने स्कूल में कॉलेज में वो लिख कर दे सकते हैं किसी भी एक स्क्राइब के लिए, ठीक है, जो कि हेल्पिंग हैंड हो, जो उनकी आपके एग्जाम में मदद कर सके लिखने में, ठीक है। तो उसके लिए वो लिख कर दे सकते हैं अपने कॉलेज में। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं BA एक्सटर्नल और MA एक्सटर्नल व आप देख सकते हैं LLM एक्सटर्नल की परीक्षा अभी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जानकारी दे रखी है। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी साथ में आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।